अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सबके। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का टीजर आ चुका है, जहाँ कास्ट में हमारे पास अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ में पहली दफ़ा कोलैब करके एक साथ एक मूवी के अंदर आने वाले हैं। जहाँ ये टीजर था, इस टीजर का रिव्यू अगर करें तो सबसे स्पेशल चीज़ ये आती है कि एक डेढ़ मिनट का टीजर है, जो कि टीजर को होना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा डिटेल दे के सब कुछ ही स्पॉइल कर दिया हो। जहाँ ये जो टीजर था अराउंड एक डेढ़ मिनट के आसपास, जो कुछ देखने को मिल रहा है, यकीन करो मुझे वो नॉर्मल फील हो रहा है। शायद इस वजह से कि मैंने एक्शन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा देख ली हैं, इस वजह से इससे एक पर्सनल कनेक्शन फील मुझे नहीं हो सका। जहाँ शुरू में इस टीजर के स्टार्ट में हमें देखने मिला है, थोड़ी सी नरेशन चल रही होती है जंग के अगेंस्ट, थोड़ी सी नरेशन चल रही है इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया के खिलाफ ही किसी किस्म का कोई अटैक वगैरह होने वाला है या वो अटैक हो जाता है, जिसके बाद हमें करेक्टर्स का इंट्रो देखने को मिला है, जिसमें शामिल है हमारे पास अक्षय कुमार। फिर दोनों तुम कह सकते हो असल में पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आर्मी या पुलिस ऑफिसर वगैरह ज्वाइन की हुई है। वो दोनों हमें देखने को मिलते हैं एक इंडियन सोल्जर्स के लुक के अंदर, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार। वो एक्शन सीन्स जो हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिले वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो एक्शन सीन्स थे टीजर के अंदर वो सिर्फ वही है जो मुझे अच्छे लगे, बाकी नरेशन कहानी थोड़ी बहुत अगेंस्ट लग रही है, मज़ेदार नहीं लग रही। लेकिन एक चीज़ ये, विलन का टीजर में इन्होंने चेहरा रिवील नहीं किया, बस एक दिखा दिया कि हाँ विलन है, उसका मोटिव क्या है वो भी थोड़े थोड़े मोमेंट्स के लिए पता चल जाता है। जहाँ कुछ बातें अगर बताऊँ तो अक्षय कुमार का जो एक्शन सीन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। उसके अलावा अगर बताऊँ, मूवी काइंड ऑफ मीडियोकर फील हो रही है मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मूवी अगर कहीं स्पेशल लगेगी, उसका टाइटल मुझे पसंद आया, वो जो थीम म्यूजिक पीछे बज रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला, एक तो वो मुझे पसंद आया। दूसरी चीज़ ये, अक्षय कुमार की लुक हाँ ठीक है, टाइगर श्रॉफ की भी ठीक है, दोनों एक तरीके से एक मूवी के अंदर आ रहे हैं, तो वो चीज़ तो सही है, समझ आ रही है। लेकिन एक एक्शन मूवी होने के साथ, शुरू में जो ओजी वाली थी वो तो एक कॉमेडी जॉनर के अंदर थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा थे, वो तो कॉमेडी जॉनर में अपने में एक सेट हुई है। लेकिन ये एक एक्शन पैक होने के साथ साथ, मुझे कहने की इसके डायरेक्टर हमारे पास अली अब्बास जफर हैं, जिन्होंने टाइगर जिंदा है और इस तरह की और मूवीज़ वगैरह बनाई है। मुझे कहीं ना कहीं टाइगर जिंदा है जैसी वाइब इस मूवी से आई, शायद उसका कलर पैलेट वैसा है, या वो हंगामा हराई धमाके वगैरह वगैरह, उस वजह से शायद मुझे वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल या टाइगर जिंदा है मूवी जैसी वाइब महसूस हुई इस मूवी, इस टीज़र से। अभी तो फिलहाल ये टीज़र है, एक डेढ़ मिनट के आसपास था, ज़्यादा कुछ तुम कह नहीं सकते। बस यही है कि ये देख के एक पर्सनल कनेक्शन फील मुझे हुआ नहीं, मैं इसके लिए एक्साइटेड था, लेकिन टीज़र देख के एक मीडियोकर फील हो रहा है कि हाँ भाई मूवी आएगी, उस वक्त तुम बात कर सकोगे, देखोगे और तुम भूल जाओगे। मूवी आने वाली है ईद पे, अप्रैल में इस साल, तो जो है यही है। अभी टीज़र आया, ट्रेलर आएगा, फिर टाइटल सॉन्ग या गाने वाने आएंगे, तो ये कहानी चलती रहेगी। तुम देखोगे नहीं, तुम क्या कहते हो? मैं हाँ, तुम कह सकते हो मैं देख लूँगा। ये तो सब कुछ तो मैं कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे वीडियो देखनी चैनल हमारा सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिलना, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते हो मसूस पिक्स, अल्लाह हाफिज़।